हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू पटना लाइट। आज है 29 जनवरी और जेई मेंस का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट्स जो है पेपर देकर बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं और उनके पेपर का रिएक्शन जानते हैं। एंड आई विश कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अच्छा था, टोटल अटेम्प्ट किए, टोटल 45 क्वेश्चंस थे। 45 मैथ्स में क्या सीन रहा? मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी था, साथ में टफ भी था। अच्छा, क्या सवाल पूछे जा रहे थे मैथ्स में? एक्चुअली इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस थे, तो इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है। अच्छा, और फिजिक्स का? फिजिक्स का पेपर अच्छा था, इजी था। मतलब उसमें अब थ्योरी का भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं है। फिजिक्स जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे इजी था या टफ? मॉडरेट था, इजी भी था। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे हार्ड। एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा था या इनऑर्गेनिक? नहीं, ऑर्गेनिक ज्यादा नहीं थी। 11th के पार्ट से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं 12th के पार्ट? नहीं, इक्वली डिवाइडेड था। आपकी प्रिपरेशन कहाँ से थी? एलएन से। अच्छा, मॉक तो एलएन का ही लगा रहे होंगे? हाँ। अच्छा, जो मॉक के पेपर में कंपेयर में कैसा है पेपर आज का? आज का पेपर मतलब जो हमने एलएन में दिया था एक्चुअली वो ज्यादा हार्ड होता था। ज्यादा हार्ड होता था। कितना परसेंटाइल होप कर रहे हो आप पेपर के बाद? हम तो जो जाए, मतलब क्वेश्चंस देखिए, ऑप्शंस जो थे वो थोड़ा होता है ना, तो एग्जाम प्रेशर में वो प्रॉब्लम हो जाता है। वरना वो पेपर अच्छा था और मेरे को आंसर्स आते थे, तो मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई है, पर मेरी मैथ्स एक्चुअली बहुत ख़राब है। अच्छा। तो इसलिए हम होप नहीं कर सकते मैथ्स का। अगर मैथ्स का परसेंटाइल सही चला गया तो ठीक है, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, PYQ के कंपेयर में पेपर कैसा है? PYQs ईजी थी, जैसे कुछ चैप्टर्स के लाइक मेटलर्जी एक चैप्टर है, उसमें क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि सबके याद करना पड़ता है ना फॉर्मूला। तो इसी में आज एक क्वेश्चन आया था तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था वो सल्फाइड ओर के लिए, तो बहुत सारे ओर्स होते हैं तो उस प्रॉब्लम हो गया था। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? मॉडरेट था। कितने बनाए आप? हम 40 लगभग बनाए हैं। 40? हाँ। मैथ्स में कितना बना? मैथ्स में 10 10। हाँ, 10। सबसे टफ मैथ ही था आज? हाँ, मैथ टफ था थोड़ा। हाँ, कैलकुलस से ज़्यादा सवाल है इंटीग्रेशन से? कैलकुलस से कम। हाँ, कैलकुलस से आया था। हाँ, फिर अच्छा, मैं कोई कोर चैप्टर पूछूँ जिससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, तो कौन कौन सा चैप्टर होगा? होगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन। प्रिपरेशन आपकी कहाँ से चल रही थी? प्रिपेयर 2 साल से चल रहे थे। क्या अभी जेईस पेरेंट्स हो तो अभी आपके एक काम की एक बात बताता हूँ। अगर किसी वजह से आपका सिलेबस अभी अधूरा है और आपका जो बैकलॉग है वो कवर नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, अभी भी देर नहीं हुई है। PW लेकर आए आपके लिए जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। PW इज सेलिब्रेटिंग 74th रिपब्लिक डे विद PW शिक्षक क्रांति, जिसमें PW दे रहा हैवी डिस्काउंट अप टू 75% ऑन देयर कोर्सेज। तो चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और अपने करियर को अलग दिशा देते हैं। जेई अल्टीमेट कोर्स में आपको लिमिटेड टाइम में सारे क्लासेस कराए जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके, वो भी एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। इसकी टाइमिंग होगी मंडे टू सैटरडे और वीक में 6 दिन इसके क्लासेस चलेंगे। डेली लेक्चर्स के PDF नोट्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन आपको हर लेक्चर के बाद मिलेंगे। अब बात कर ले इस बैच की प्राइस की, तो ये बैच मिल रहा है आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में। ये ऑफर है 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, और इस बैच के अंदर ही आपको जो भी शेड्यूल टेस्ट है वो कराए जाएंगे, जो कि आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में हेल्प करेगा और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी आपका बूस्ट करेगा। कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और इस बैच को अवेल कराने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो और अपने करियर को अलग दिशा दे सकते हो। ब्रदर, बहुत अच्छा एग्जाम गया। कितने बनाए? 50 questions। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। मैथ्स में कितना किया? मैथ्स 17। हाँ। और फिजिक्स में? फिजिक्स में 16। यस। एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का मतलब 2 short, मतलब 2 long किए थे, उसके बाद 16 17। ओवरऑल पेपर कैसा लगा? मॉडरेट। हाँ। कहाँ से तैयारी चल रही थी? सेल्फ स्टडी प्लस PW। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन। यानी विद्यापीठ सेंटर? विद्यापीठ सेंटर। हाँ। जो उनका CBT होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसे कंपेयर पेपर कैसा है? क्या चीज? CBT जो होता था उसे कंपेयर पेपर कैसा है आज का? अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। मॉडरेट क्वेश्चन था सारा, मतलब बहुत अच्छा लगा बनाने में भी और सॉल्विंग में अच्छा लगा। सबसे इजी क्या लगा? सबसे इजी मैथ्स, क्योंकि मैथ्स फेवरेट भी है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा लग गया। कितना परसेंटाइल उम्मीद कर रहे हो आप? कितना उम्मीद तो कुछ नहीं, अपना मतलब रिजल्ट उम्मीद किया जा सकता है। अभी उम्मीद कितना? 80 85। कर रहे हो? या। ओके, गुड लक। थैंक यू। कैसा रहा? ठीक ही रहा एग्जाम। कितने बनाए? टोटल कितना अटेम्प्ट किए? टोटल 35 तक अटेम्प्ट। सबसे ज्यादा किस में हो पाया अटेम्प्ट? सबसे ज्यादा फिजिक्स में हुआ, मैथ्स में हार्ड था। पर हार्ड था? हाँ। अच्छा, हार्ड मैथ्स हार्ड होने का पीछे का रीजन क्या हो जा रहा है इस बार? पता नहीं क्या, पर क्वेश्चन हार्ड ही आ रहा है इस बार। PYQ के कंपेयर में पेपर कैसा है? PYQ बना लेगा तो फिर हो पाएगा।
कोई ट्रेंड में चेंजेस नहीं? किसका किससे तैयारी थी आपकी? नहीं, किसी से बस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, अच्छा, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट तैयारी करते थे? नहीं, स्कूल में है, ट्वेल्थ में ही है। अच्छा, मॉक लगा देते किसी का? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अब वो तो डिपेंड करेगा उस पर, पता नहीं। गुड लक। अच्छा था, बहुत अच्छा गया है। कितने बनाए? मैंने 56 ट्राई किया है। 56? बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 12। हाँ, सबसे ईजी क्या लग रहा था आज? आज केमिस्ट्री जी था, पेपर ऐसे मॉडरेट था, मतलब बहुत ईजी भी नहीं था, औसत दिन की तरह। न्यूमेरिकल थे केमिस्ट्री में? हाँ, न्यूमेरिकल थे। कितने न्यूमेरिकल होंगे? ऑलमोस्ट ऐसे याद नहीं, ऐसे सिक्स सेवन के आसपास मैंने ट्राई किया। अच्छा, मैथ्स कैसा गया आपका? मैथ्स 12 बना है, बहुत अच्छा नहीं, फिर भी एवरेज ठीक है मैथ। सवाल देखते हुए कितने सवाल आसानी से मतलब किए जा सकते थे? 36-37 के आसपास। कितना परसेंटाइल होप कर रहे हो आप? 99 पॉइंट समथिंग। बहुत ज़्यादा है। और क्या बोलते हैं, सेकंड सीजन देना है इसी बार में हो जाएगा? नहीं, एडवांसली करना है, वो भी देना है, लेकिन वो भी दीजिएगा। यस यस। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो इन रियल? अभी तो कोई अच्छा आई आई टी। एडवांस के थ्रू? यस। और मेंस के थ्रू? एन आई टी। अच्छा सर, अच्छा, कोई तो ऐसा ड्रीम कॉलेज होगा ना कि आप चाहते हैं कि वहाँ एडमिशन हो जाए? सबका सेम ही होता है, आई आई टी बॉम्बे। यस। ओके, हम विश करते हैं आपके लिए गुड लक। थैंक यू सर। और इस तरीके से आज जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसका अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।